नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आज आप वैष्णो देवी यात्रा करने की सोच रहे हैं और जम्मू कटरा नहीं जा पा रहे, तो आज हम आपको कराने वाले हैं वैष्णो देवी माँ के दर्शन कोटा के अंदर। यहाँ पर एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया गया है जिसका नाम है त्रिकुटा। त्रिकुट पर्वत के नाम पर इस मॉन्यूमेंट को बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस यात्रा को हम कर सकते हैं एक अलग ही इंटरेस्टिंग अंदाज के अंदर। तो आप सभी यहाँ पर काम करते हैं माता के सेवा के रूप में। ये अंदर देखने लायक बहुत अच्छी चीज है, वैसा का वैसी वैसा ही दरबार है, पूरा सेम जैसा वहाँ पे वहाँ पे। अच्छा, थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम प्रवेश करने जा रहे हैं त्रिकुटा के अंदर। यहाँ से सबसे पहले लेना होता है एंट्री टिकट। एंट्री टिकट हमें बाहर ही मिल जाता है, यहाँ पर एंट्री टिकट मिलता है, तो हमने परचेज कर लिया है। 50 रुपीज़ पर पर्सन का एंट्री टिकट है। और यहाँ से अब प्रवेश करने जा रहे हैं। दो सिंह यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, दो लायंस हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा आर्किटेक्चर है जो कि यहाँ बनाया गया है। और यहाँ पर प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और ये शायद निकास द्वार है जहाँ से वापस आएंगे। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से एंट्री की जाएगी। बिल्कुल एक तरह से जो रेलगाड़ी होती है, जो पूरी ट्रेन का माहौल यहाँ बनाया गया है। जिस तरह से यात्रा करने श्रद्धालु जाते हैं तो सबसे पहले ट्रेन में बैठकर जाते हैं कटरा तक, तो उसी तरह का माहौल यहाँ पर बनाया गया है। तो चलिए ट्रेन में चलते हैं और इस सफ़र को इंजॉय करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ सर हैं, नमस्कार सर। अशोक सुखेजा इनका नाम है। ये आप यहाँ मैनेजर हैं सर? जी, आप मैनेजर हैं। थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे हमारे दर्शकों को कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देखने जी की। ये वैष्णो देवी स्टाइल में मंदिर बन रहा है और ये पिछले 13 साल से बन रहा है मंदिर। 13 ईयर्स। हाँ, जनता के लिए अपन ने खोल दिया है, दर्शनों के लिए जी। और यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट होती है। ये मेन गेट है, जो शेर का फोटो लिया आपने। अच्छा, ये मेन गेट है। सामने ये कटरा स्टेशन पे रेल का डिब्बा अपन ने बना रखा है, ये कटरा स्टेशन का लुक देता है। इसके बाद अपन यात्रा चालू होती है। तो यहाँ से हमने ट्रेन में एंटर कर लिया है और ट्रेन से एंटर करने के बाद अब वापस से हम पहुँच चुके हैं त्रिकुटा। बहुत ही खूबसूरत सा आर्किटेक्चर है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा त्रिकुट पर्वत बनाया गया है। त्रिकुट पर्वत का पूरा नज़ारा यहाँ पर बनाया गया है। बहुत ही सुंदर सा आर्किटेक्चर है। इसको बनने में 13 साल लगे, बहुत ही बारीकी का काम है। तो ये है त्रिकुट पर्वत जहाँ माँ वैष्णो देवी पिंडी रूप में विराजमान है। सबसे पहले बात करते हैं इस स्थान की लोकेशन के बारे में। ये स्थान स्थित है राजस्थान के एक प्रसिद्ध शहर कोटा में। अगर इस स्थान के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करें तो ये स्थान स्थित है कोटा से बूंदी जाने वाले रोड के समीप केशव राय पाटन तिराए पर। इस जगह का पिन कोड है 324008, यानी कि 324008। यहाँ पर पहुँचना बहुत ही आसान है। अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहें तो भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप पर्सनल व्हीकल लेकर यहाँ पर आते हैं तो भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी बहुत अच्छी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, यह है माता वैष्णो देवी की एक कंप्लीट यात्रा जो कि आप कोटा में रहकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब इस यात्रा को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं यहाँ के मैनेजर साहब से कि कैसे ये यात्रा शुरू होती है, कौन कौन से पड़ाव हैं जो कि बीच में आते हैं और कैसी रोमांचक ये पूरी की पूरी यात्रा हमारी होती है। वह यात्रा के दौरान सबसे पहले हमारे दादाजी भाई साहब है अमित जी रोहड़ा, उनके दादाजी का प्रतिमा स्थापित शंख के अंदर, कन्या माता का जो रूप है, जो माता का वैष्णो देवी का स्टार्टिंग वो प्रतिमा स्थापित है उसके। अच्छा। झरने के नीचे। हाँ। उसके बाद में कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसके बाद में साईं बाबा का मंदिर है, फिर अपन झरने में होते हुए श्री राम दरबार की तरफ पड़ते हैं। अच्छा। राम दरबार में दर्शन करके यात्री हम चरण पादुका की ओर दर्शन करने के लिए बढ़ते हैं। रास्ता लंबा है, ये वाला रास्ता है। अच्छा। चरण पादुका से फिर दर्शन करेंगे तो भवन की ओर, भवन का रास्ता है, फिर वहाँ बीच में अर्धकुंवारी माता की गुफा आती है, गुफा से होते हुए सांझी छत, सांझी छत पे सिटिंग पॉइंट है, रेस्टोरेंट है ऊपर। अच्छा अच्छा। फिर रेस्टोरेंट में खाना नाश्ता चाय पानी करने के बाद भवन में लोग श्रद्धालु पहुँचते हैं। भवन में त्रिपिंडी दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के लिए प्रस्थान, ऊपर जो पॉइंट है शंकर भगवान के पीछे, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद सीधे नीचे एग्जिट से निकलना। अच्छा अच्छा। ये पंडित जी हैं त्रिकुट पर्वत के, माता वैष्णो देवी की पूजा के लिए आप है ना? हाँ मैं जी। और ऊपर बिल्कुल वैसा वैसे ही बनाया है जैसे बिल्कुल जैसा माता का भवन बना हुआ है वैष्णो देवी का जी जी। सेम उसकी डिटो कॉपी है, बिल्कुल वैसा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और वहाँ से ज्वाला देवी से ही जोत ला करके मैया की यहाँ पे स्थापित की गई है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और वैष्णो देवी से ही पिंडिया ला करके यहाँ पे स्थापित की गई है। अच्छा, अच्छा। सेम वैसे के वैसे अर्धकुंवारी माता के वैसे गुफा बना रखी है। अच्छा। वैसे देवी का
प्रतिमा स्थापित है और वैसे नौ देवियों के अलग अलग प्रतिमाओं के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रगेंटी, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, ये सिद्धिदात्री, ये नौ देवियों के यथावत रूप से वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में और माता की स्थापना की गई है। बिल्कुल अमित जी भाई साहब का वैसा प्रयास है जी 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 कि मैया के दर्शन जो उस क्षेत्र में नहीं हो पाए, जो जिस वहाँ इतने दूर जाने से लोग जो वंचित रह जाते हैं, तो इस क्षेत्र के लोग मैया के दर्शनों का लाभ पाए, बस यही प्रयास है भाई साहब जी। बिल्कुल बिल्कुल, जय माता दी, जय माता। यहाँ से टपकता है मोटर के द्वारा, इसमें 9 एचपी की मोटर लगी हुई है। अच्छा, ये झरना बहता है कि ये भी झरने, सारे पॉइंट झरने झरने अभी झरना चालू है नहीं। अच्छा, और यहाँ चेकिंग होती है मोबाइल की। अच्छा अच्छा, मोबाइल पर्स चमड़े का कुछ भी मटेरियल अंदर नहीं जाता है। अच्छा, इसके अलावा सुपारी, गुटखा, तंबाकू, ये चीजें भी अंदर नहीं जाती। अच्छा अच्छा, यहाँ पे चेकिंग हम निकलवा देते हैं, मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये सामान वगैरह यहीं वापस आके कलेक्ट करना होता है? हाँ बिल्कुल, पूरी सेफ्टी और सामानों की लॉकर दिया जाता है, चाबी आपको दी जाती है। जी जी बिल्कुल, ये बैग जैसे अगर कोई रखना चाहे तो आ जाएगा उसमें? हाँ, सबको बैग लॉकर में, सिर्फ महंगी चीज़ें मोबाइल और जो महंगा मटेरियल है वो। इसके लिए बैग के लिए अलमारी, अलमारी के लिए टोकन दिया जाएगा और लॉकर की चाबी दी जाएगी। ठीक है सर। तो यहाँ पर इस तरह के लॉकर रूम्स बनाए गए हैं जहाँ पर अलग अलग चीज़ों को संग्रह करके रखने की व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर जूता संग्रह, अगर आप जूते चप्पल यहाँ पर खोल के जाएंगे, क्योंकि ऊपर जूते चप्पल ले जाना अलाउड नहीं है, माता का मंदिर है, तो उसी तरह से यहाँ जूते चप्पल आप खोलेंगे। यहाँ पर ये लॉकर संग्रह है, अगर मोबाइल है, बेल्ट है, किसी भी तरह की चमड़े की चीज़ है तो यहाँ पर आप संग्रह करके रख के जाएंगे, उन्हें मिलेगा ऊपर भी। और यहाँ भी चालू होने वाला रेस्टोरेंट, कहीं भी लहसुन प्याज नहीं मिलेगा, जैसे वैष्णो देवी में बंद है, यहाँ पर भी लहसुन प्याज लाना बंद है। हमारे जो भी कर्मचारी लहसुन प्याज लाते हैं वो मंदिर के बाहर बैठ कर खाना खाते हैं। यहाँ मंदिर में कोई भी लहसुन प्याज का खाना नहीं खा सकता, ये पवित्र है। हाँ, जैसे माँ वैष्णो देवी का बनाया गया है उसी तरह का पवित्र स्थान इसे बनाया गया है। यहाँ पर किसी तरह का लहसुन प्याज, नॉन वेजिटेरियन फूड, किसी चीज़ की अलाउड नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इस तरह के झरने बनाए गए हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से देखिए ये झरने बनाए गए हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे फाउंटेन्स हैं। इस तरह से बिल्कुल नेचुरल तरीके से इन फाउंटेन्स को डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से काफ़ी सारे झरने हैं, काफ़ी सारे फाउंटेन्स हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ पर भी आप देखिए बिल्कुल नेचुरल तरीके से एक फाउंटेन बनाया गया है, एक झरना बनाया गया है। यहाँ से देखिए पानी काफ़ी खूबसूरत से यहाँ पर गिरते हुए, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा आर्किटेक्चर बनाया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक रेस्टोरेंट बनाया है। वैसे यहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है अभी, क्योंकि ये इनॉग्रेशन के ऊपर ही है, वैसे लोगों के लिए चालू है अभी, आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर इस तरह का ये रेस्टोरेंट टाइप का बनाया है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल कटरा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर अगर आप कुछ खाना पीना चाहे तो खा सकते हैं, कुछ टाइम के अंदर ये चालू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरह का पूरा रेस्टोरेंट का माहौल यहाँ पर बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ पर ये काउंटर है जहाँ पर आप कुछ भी खाने का जो भी ऑर्डर वगैरह है, बुकिंग वगैरह, वो कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं त्रिकुटा पर्वत पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। ये यात्रा काफ़ी अमेजिंग और एक्साइटिंग होने वाली है, लेकिन ऊपर फोटो वीडियो कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसी वजह से हम आपको ऊपर का सीन नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लौट कर आएंगे आपको पूरा एक्सपीरियंस देंगे जो कि हमने फील किया, और साथ ही आपको पब्लिक एक्सपीरियंस भी यहां पर देंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये जगह कितनी अच्छी है। दोस्तों ये वो पॉइंट है, इसके बाद आपकी चेकिंग होती है, आप मोबाइल, पर्स या किसी भी तरह का लेदर इंस्ट्रूमेंट अंदर नहीं ले जा सकते। यहाँ से यात्रा शुरू होती है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यात्रा के दौरान मोबाइल पाने जाने पर मोबाइल जब्त होगा, इस तरह की यहाँ पर सूचना लिखी हुई है। और यहाँ से एक्चुअल यात्रा शुरू होती है। हम अंदर का आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है अंदर, ऊपर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, शूटिंग अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। यहाँ बाहर से ही आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर सा आर्किटेक्चर है। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अंदर का? बहुत अच्छा है, मतलब पूरा फील, पूरा जम्मू कश्मीर वाला फील है। आप गए कभी? हां मैं गया हूं, तो बिल्कुल वैसा ही लगा होगा, वैसा ही लग रहा है। आप सभी का क्या एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज, कैसे लगा आपको? एकदम सेम फीलिंग आई, सेम फीलिंग आई, बिल्कुल गुफा वगैरह बिल्कुल नेचुरल वैसी बनाई। हमें भी काफी अच्छा लगा अभी जाके आए हैं। और रियल में मतलब मैं एक्चुअल में यहाँ पर लाइव एक्सपीरियंस नोट करना चाह रहा हूँ कि सभी लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये कोटा में, कोटा राजस्थान में ये प्लेस है, इस जगह ज़रूर विजिट करना चाहिए, बहुत अच्छी जगह। बाहर से हम आपको दिखा पाए, अंदर कैमरा या फिर मोबाइल अलाउड नहीं है तो अंदर का हम आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन बहुत अच्छी जगह है, आपको यहाँ पर मस्ट विजिट करना चाहिए। सभी लोगों का एक्सपीरियंस था यहाँ पर बहुत अच्छा, सबने बताया, हम भी एक्चुअल में अंदर से बोल सकते हैं बहुत अच्छी जगह है, आपको यहाँ मस्ट विजिट करना चाहिए।
क्योंकि सर ये बोलना चाहता हूँ कि राजस्थानी नहीं, मतलब ऑल इंडिया में जितने भी मंदिर है ना, काफी यूनिक मंदिर है। और राजस्थान में तो शायद ऐसा मंदिर आपने देखा भी नहीं होगा। नहीं, नहीं देखा। राजस्थान मध्य प्रदेश में भी नहीं है। आपने वहाँ यूपी में भी है। दिखाया ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसे ही हम लोग गए हैं वैष्णो देवी, बिल्कुल सेम टू सेम बनाया। मतलब भक्तों को फील आने चाहिए अंदर वैष्णो देवी, वो एक्चुअल में फील आई है यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। आइए दोबारा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, सभी पता रहे जी, और जाते जाते भक्त जनाए जी जी हमारी जी जी, बिल्कुल थैंक यू। एंड फाइनली मैं आपको इस त्रिकुटा पर्वत की यात्रा का थोड़ा सा अंदाजा देना चाहूंगा। जब आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं तो कुछ इस तरह के रास्ते से होकर आपको गुजरना होता है। यहाँ पर आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे जो कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं।